हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास फोर लेसन फर्स्ट, और लेसन का नाम है क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। लिसन टू अनुज एंड हिज ग्रैंडफादर टॉकिंग टू ईच अदर। जो अनुज थे और उसके पिता ग्रैंडफादर दादाजी थे, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे अबाउट देयर फेवरेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। वे किसके बारे में बात कर रहे थे? फेवरेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के बारे में बातें कर रहे थे। ठीक है, नोट डाउन द क्रिकेट टर्म बाय मेंशंस। सो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। रणजी वाज अप एंड डाउन, इट वाज संडे, अ स्कूल हॉलीडे। यानी रणजी सोचता है, संडे का दिन होता है, ठीक है, और उस दिन क्या होता है, उसका स्कूल हॉलीडे होता है, मतलब उसकी स्कूल बंद होती है संडे को। ठीक है, ऑल्दो ही वाज सपोज टू बी प्रिपेयरिंग हिज एग्जाम्स, और वो सोचता है एग्जाम की तैयारी करते समय, ओनली द फोर नाइट अवे ही कुडंट रेजिस्ट वन आर टू मोर गेम्स बिफोर गेटिंग डाउन टू हिस्ट्री एंड अलजेब्रा एंड अदर अनएक्साइटिंग थिंग्स। वो सोचता है, जो उसका एग्जाम होता है बेसिकली एक दिन दूर होता है, ठीक है, वो सोचता है कि बिना मैं गेम खेले हुए इन सारे विषय को नहीं पढ़ूंगा, इन सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री था, अलजेब्रा था एंड अदर अनएक्साइटिंग थिंग्स, मतलब कुछ ऐसे भी मतलब सब्जेक्ट थे उसमें उसका मन नहीं लगता था। ठीक है, I'm going to be a test cricketer when I grow up, he told his mother. इसके बाद रणजी अपने मम्मी से कहता है कि I'm going to be a test cricketer, मैं टेस्ट क्रिकेटर बनने जा रहा हूँ when I grow up, यानी मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, वो रणजी अपने मम्मी से कहता है। Of what use will math to be? इसके बाद से वो अपनी मम्मी से कहता है कि मैं मैथ पढ़ कर क्या करूँगा, मुझे क्या कर बनना है, मुझे टेस्ट क्रिकेटर बनना है बड़ा होकर। You never know, said his mother. यानी उसकी मम्मी कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो, who happened to be more of a cricket fan than his father, यानी जो उसके पिता जी थे रणजी के, वो भी काफ़ी क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, वो काफ़ी फैन थे क्रिकेट के। यू माइट नीड मैथ टू वर्क योर बैटिंग एवरेज। इसके बाद उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हें मैथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तुम खेलोगे तो उसकी जो रन होती है उसकी एवरेज निकालना होता है। ठीक है, जो भी तुम खेलोगे, मैच खेलोगे, जो उसकी रन बनता है उसका क्या करना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है। एंड एज फॉर हिस्ट्री, वुडंट यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री जो है तुम क्या करना है, तुम्हें हिस्ट्री का पार्ट ही नहीं बनना। फेमस क्रिकेटर मेक हिस्ट्री, ठीक है, जो फेमस क्रिकेटर है वो भी हिस्ट्री का यूज होता है, इसलिए फेमस जो क्रिकेटर है वो भी क्या करते हैं, हिस्ट्री ही बनाते हैं। ठीक है, मेकिंग हिस्ट्री इज ऑल राइट, सैड रणजी। यानी रणजी कहता है ठीक है, मतलब मेकिंग हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री बनाना ठीक है, एज लॉन्ग एज आई डोंट हैव टू रिमेंबर दैट डेट ऑन विच आई मेक इट, और मुझे उस आई मेक इट, मुझे जरूरी नहीं है उस डेट को रिमेंबर करना जहाँ पर मैं उस रन को या उस मैच को खेलूंगा। रणजी मेट हिज फ्रेंड एंड टीम मेट्स इन दिस इन द पार्क। इसके बाद क्या होता है, रणजी जो है वो अपने टीम मेट यानी जो उसके टीम में खेलते हैं उससे मिलता है पार्क में। द ग्रास वॉज स्टिल वेट विद यू, जो वहाँ की घास थी अभी भी क्या होती है, थोड़ी मोड़ी गीले होती हैं क्योंकि वहाँ पर अभी भी ओस गिरी हुई रहती है, ठीक है, ड्यू गिरा रहता है। द सन ओनली जस्ट राइजिंग बिहाइंड द डिस्टेंस हिल, जो सूरज था अभी वो पहाड़ों के ऊपर से अभी जस्ट निकल रहा था, सुबह सुबह का टाइम था। द पार्क वॉज फुल ऑफ फ्लावर बेड्स, जो पार्क थी वहाँ पर फूलों से भरा हुआ था। एंड स्विंग्स एंड स्लाइडर्स फॉर स्मॉलर चिल्ड्रेंस, और वहाँ पर स्विंग एंड स्लाइडर्स एक गेम होता है जो बच्चे, छोटे मोटे बच्चे स्लाइड करते हैं उस पर, वहाँ पर पार्क में हमेशा रहता था, उस पार्क में भी वो स्विंग एंड स्लाइड्स था। ठीक है, द बॉय वुड हैव टू प्ले ऑन देयर रिवर बैंक अगेंस्ट देयर राइवल, ठीक है, जो बच्चे थे उन्हें खेलना पड़ता था एक नदी के किनारे, अगेंस्ट देयर राइवल, राइवल मीन्स होता है बराबरी या प्रतियोगी। ठीक है, अपने प्रतियोगी, जितने भी प्रतियोगी होते थे क्रिकेट के, वे एक नदी के किनारे खेलते थे। ठीक है, द विलेज बॉय, जो गांव के लड़के रहते थे, रणजी डिड नॉट हैव अ फुल टीम दैट मॉर्निंग, यानी उस दिन रणजी के पास उसका पूरा टीम नहीं था, कुछ ही लोग थे उसके टीम में। बट ही वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ फ्रेंडली मैच, लेकिन वो सिर्फ एक फ्रेंडली मैच ही खेलना चाहता था। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा मैच नहीं खेलना चाहता था, सिर्फ वो एक फ्रेंडली मैच ही खेलना चाहता था। द रियली इंपॉर्टेंट गेम वुड बी हेल्ड ऑन द फॉलोइंग संडे, वो कहता है कि जो रियली इंपॉर्टेंट गेम होगा वो नेक्स्ट संडे होगा। ठीक है, द विलेज टीम वॉज क्वाइट गुड बिकॉज द बॉयज लिव नियर ईच अदर एंड प्रैक्टिसाइज लॉट टुगेदर, जो विलेज यानी गाँव के जो बच्चे थे उनकी जो टीम थी काफ़ी अच्छे लोग थे, यानी काफ़ी अच्छा उनका टीम था क्योंकि वे दोनों, वे सारे टीम के जितने भी लोग थे वे हमेशा साथ रहते थे और टीम की काफ़ी प्रैक्टिस करते थे। ठीक है,
खेलने का हमेशा प्रैक्टिस करते थे मैच के बारे में। वेयर इज रणजी टीम वॉज ड्रॉन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द टाउन, जो रणजी का टीम था बेसिकली वो टाउन से थे और वो हर एक टाउन मतलब टाउन से थे तो अलग अलग रहते थे, वो एक दूसरे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। ठीक है, देर वॉज अ बैंकर बेकर्स बॉय नाथू, यानी जो रणजी के टीम में था वो उसके पिताजी बेकर्स थे, ठीक है, जिसका नाम नाथू था। द टेलर सन, जो कपड़े सिलते हैं उसका बेटा था जिसका नाम सुंदर था। एंड द पोस्टमास्टर सन, जो पोस्टमास्टर होता है उसका बेटा प्रेम। एंड द बैंक मैनेजर सन अनिल, ठीक है, ये सारे लोग उस टाउन में से आए थे वहाँ पे मैच खेलने के लिए। दिस वर सम ऑफ द बेटर प्लेयर्स, ये सारे लोग क्या थे, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे। सम टाइम्स, कभी कभी, देयर फादर्स आल्सो टर्न अप फॉर अ गेम्स, यानी उनके पिताजी का मतलब भी साथ में आते थे मैच खेलने के लिए, कभी कभी ऐसा होता था। ठीक है, द फादर वर नॉट वेरी गुड, जो उनके पिताजी थे, उन लोगों के पिताजी होते थे वो काफ़ी अच्छे नहीं खेलते थे, लेकिन बट यू कुडंट टेल देम, लेकिन आप उनको नहीं बता सकते थे कि वो अच्छे नहीं खेलते हैं। ठीक है, दैट आफ्टर ऑल, यानी उसके बाद दे हेल्प टू प्रोवाइड बैट्स एंड बॉल्स एंड पॉकेट मनी, इसके बाद क्या होता है, वे गेंद को गेंद और बैट लाने की कोशिश करते हैं अपने पॉकेट मनी से। ठीक है, अ रेगुलर इंस्पेक्टर ऑफ दिस मैचेस वाज नाकू द क्रोकोडाइल, ठीक है, यानी जो रेगुलर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मीन्स जो देखता था, ठीक है, रेगुलर उन लोगों का मैच, वो क्या था, नक्कू था। नक्कू कौन था, एक क्रोकोडाइल जो एक रिवर में रहता था, एक वहीं पे पास में रिवर में रहता था क्रोकोडाइल, उन सारे बच्चों का मैच हमेशा वो देखता रहता था उस पानी में से। नक्कू मीन्स नोजी, जो नक्कू था काफ़ी नोजी था, ठीक है, बट द विलेज बॉय वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नक्कू जी, जो विलेज के लड़के थे, गाँव के लड़के थे, वो काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे उस क्रोकोडाइल को, उसको नक्कू जी कह के बुलाते थे। ही हैड ए लॉन्ग स्नाउट एंड रो एंड अगली लुकिंग टीथ, सम ऑफ देम बैडली इन द नीड ऑफ फीलिंग्स एंड पावरफुल स्कैरी टेल, ठीक है, जो उस घड़ियाल के पास यानी मगरमच्छ के पास क्या था, काफ़ी लंबी सी पूंछ थी, डरावनी पूंछ थी, ठीक है, काफ़ी लंबा क्या था उसका मुँह था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग देखते थे। ही वॉज नियरली 15 feet लॉन्ग, जो क्रोकोडाइल था बेसिकली वो मतलब 15 feet लंबा था, ठीक है, बट यू डी नॉट सी मच ऑफ हिम, लेकिन आप उसको जल्दी नहीं देख पाते, ठीक है। ही स्वम लॉ इन द वाटर एंड ग्लिड स्मूथली थ्रू द टॉल ग्रास नियर द रिवर बैंक टू द बास्क इन द सन, और वो क्या रहता था, वो क्रोकोडाइल जो था वो हमेशा पानी के नीचे सतह पर रहता था, और कभी भी उसको मन करता था बाहर आने के लिए पानी से, तो पानी के किनारे उस घास में बाहर आता था, मतलब धूप खाने के लिए सूरज का, ठीक है, सन का धूप खाने के लिए। ही डिड नॉट केयर ऑफ पीपल, वो दूसरों की यानी लोगों की परवाह नहीं करता था कि कौन आएगा कौन जाएगा, वो क्या करता था, वो मस्ती में अपने पानी में रहता था, और जब मन करता था पानी से निकल कर बाहर वो आराम करता था। स्पेशली क्रिकेटर्स, यानी स्पेशली क्रिकेटर्स का वो क्या करता था, ध्यान नहीं देता था उन लोगों को, ठीक है। ही डिसलाइक द नॉइज दे मेड, यानी जो भी बच्चे मैच खेलते वक्त नॉइज यानी आवाज़ करते थे वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था क्रोकोडाइल को। फ्राइटनिंग अवे द वाटर बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर रिक्वायर्ड फॉर देयर इंटरेस्टिंग मेन्यू, यानी जो मेन्यू मतलब भोजन, यानी जो क्रोकोडाइल भोजन खाने वाला होता था, जैसे कि वाटर बर्ड एंड कोई क्रिएचर्स था उस पानी में क्रिएचर होता था, तो जो बच्चे होते थे नॉइज यानी हल्ला करके उसको भगा देते थे, ठीक है, तो इसलिए वो उन बच्चों को क्रोकोडाइल जो था पसंद भी नहीं करता था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एंड और इट वॉज ऑल्सो अलार्मिंग टू हैव अ क्रिकेट बॉल पॉपिंग अराउंड द सॉलो वेयर ही लाइक टू रेस्ट, और जहाँ पर उसको पसंद रहता था क्रोकोडाइल को रहना, वहाँ पर जो क्रिकेट वालों के जो बॉल होती थी वो मारते थे और पानी में छपा के गिरती थी, तो उसको काफ़ी बुरा लगता था, ठीक है। वंस नक्कू क्रेप्ट क्वाइट क्लोज टू द बैंक मैनेजर, यानी एक बार क्या हुआ, जो नक्कू क्रोकोडाइल था वो बैंक मैनेजर जो के पास क्या होता है, धीरे धीरे उसके पास पहुँच जाता है। हु वॉज रेस्टिंग अगेंस्ट वन ऑफ द ट्रीज नियर द रिवर बैंक, वो एक नदी के किनारे जो बैंक मैनेजर था वह आराम कर रहा था। द बैंक मैनेजर वॉज अ पोर्टली जेंटलमैन, वो काफ़ी जेंटलमैन था, ठीक है, सीधा साधा स्वभाव का था। और नक्कू सीम टू थिंक्स ही वुड मेक अ गुड मील, यानी नक्कू यानी जो क्रोकोडाइल सोचता है कि जो ए मैनेजर है मेरे लिए काफ़ी अच्छा खाना बनेगा आज, हो सकता है आज। जस्ट देन अ पार्टी ऑफ विलेजर हैड कम अलॉन्ग बीटिंग ड्रम्स एंड वेडिंग प्रोसीजंस, इसके बाद कुछ देर बाद क्या होता है, वहाँ से शादी का एक फंक्शन था, लोग ड्रम यानी ढोल बजाते हुए उस रास्ते से गुजर रहे थे। नक्कू रिटायर द मडी वाटर्स ऑफ द रिवर्स, नक्कू फिर से क्या होता है वो रिवर में लौट जाता है, ठीक है। ही वॉज ए लिटिल टायर्ड ऑफ सॉलोइंग फ्रॉग्स ईल्स एंड हेरॉन्स, जो वह क्रोकोडाइल था वो थक गया था छोटे छोटे जानवरों को खाते खाते, जैसे कि फ्रॉग मेढक को, ईल्स हेरॉन्स, ठीक है, यानी हेरॉन्स क्या होता है जो बत्तख होते हैं, हेरॉन्स मतलब जो बगुले होते हैं उनको खाते हुए थक गया था। दैट जूसी बैंक मैनेजर वुड मेक अ नाइस चेंज, इट वुड ग्रेव हिम वन डे,
यानी एक दिन कुड़कुड़ाए सोचता है कि जो बैंक मैनेजर है वह क्या करेगा, उसके स्वाद में एक दिन चेंज लाएगा, हो सकता है मैं उसे जल्द ही खाऊंगा, ऐसा वो क्रोकोडाइल सोचता है अपने मन में। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे एक इस तरह का माहौल है। यहाँ पे बैंक मैनेजर आराम कर रहा था और इधर से रास्ते से 100 लोग ढोलक बजाते हुए शादी के जो होता है ना, मतलब उसे गुजर रहे थे, तो जो क्रोकोडाइल होता है वो नीचे से इस पानी में भाग जाता है। ठीक है, नहीं तो इस मैनेजर को खा जाता है। इसके बाद से क्या होता है, द विलेज बॉयज वर लिटिल ओल्डर देन रंजीत, जो विलेज के लड़के थे जो रंजीत था उससे क्या थे, रंजीत से और उसके फ्रेंड से क्या थे, काफ़ी थोड़ा सा ओल्डर थे। ठीक है, थोड़े से बड़े थे उम्र में। बट दे डिड नॉट ब्रिंग देयर फादर अलोंग, लेकिन वे अपने पिताजी को अपने साथ नहीं लाते थे खेलने के लिए। द गेम मेड वेरी लिटिल सेंस टू द ओल्डर विलेजर्स, यानी जो गेम था वो विलेजर्स को समझ में नहीं आते थे। ठीक है, क्योंकि जो गांव के लोग रहते थे उसके उनके पिताजी को गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे, वो सब अपना अपना काम करते थे। एंड वेन बाल्स कम फ्लाइंग अक्रॉस द फील्ड टू द लैंड इन द मिल्क पेल्स ऑफ कुकिंग पॉट्स, दे वर एज एनॉयड एज द क्रोकोडाइल, यानी जब भी उनकी बॉल खेलते समय उनके खेतों में आ जाती थी या उनके जो मिट्टी के बर्तन होते थे तोड़ देती थी, तो वो सब क्या होते थे, काफ़ी नाराज हो जाते थे। ठीक है, इसके बाद टूडे द मैन वर बिजी इन द फील्ड, यानी आज क्या है, आज जो था जो आदमी लोग थे क्या थे, काफ़ी बिजी थे उस समय। ठीक है, एंड नकु क्रोकोडाइल वॉज ओलोइंग इन द मड बिहाइंड द स्किन ऑफ रीड्स एंड वाटर लिलीज, जो क्रोकोडाइल था वो क्या हो रहा था, वो पानी में इधर उधर उलट पलट रहा था। ठीक है, वो दिन मतलब काफ़ी अच्छा दिन था। हाउ ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट दोज लिलीज लुक्ड, लिलीज क्या होता है, बेसिकली एक तरह से पानी में उगने वाला एक पौधा होता है। ठीक है, एक तरह से फूल होता है, उसमें उसी में जो क्रोकोडाइल होता है उसी में वो अपना मस्ती करना करता है, मजा करता है। वन शार्प आईज वुड हैव नोटिस नकुस लॉन्ग स्नाउट थ्रस्टिंग अब द बोर्ड फ्लैट लिप्स ऑल ए लिलीज, हिज आईज वर स्लिट, ही वॉज वॉचिंग, यानी जो क्रोकोडाइल होता था वो छुप कर लोगों के मैच खेलते हुए देखता था। ठीक है, जो एक कहाँ से देखता था, वो मतलब लिलीज जो पेड़ होते थे उसके पीछे छिपकर वो लोगों को देखता था। रंजीत स्ट्रक द बॉल हार्ड एंड हाई, यानी इसके बाद जो रंजीत था जब खेल रहा था मैच तो उसने पूरे बॉल को काफ़ी हाई मतलब हाइट पर मारा। स्प्लैश, स्प्लैश में छपाक, यानी छपाक से पानी में गिरना, जब वो हाई बॉल मारा तो जो उसका बॉल था वो पानी में गिर जाता है छपाक से। ठीक है, इट फेल इन टू द रिवर अबाउट 30 feet फ्रॉम द वे नकु लेज, यानी जहाँ पर क्रोकोडाइल सोया हुआ था उसके तकरीबन 30 feet मतलब 30 feet दूर गिरा हुआ था बॉल। ठीक है, द विलेज बॉय एंड टाउन बॉय डस्ट इन टू द सोलो वाटर टू लुक फॉर द बॉल, इसके बाद जो विलेज के लड़के थे और दोनों टीम के जो लड़के थे वो बॉल को ढूंढने के लिए उस पानी में यानी उस नदी में जाते हैं। टू मनी ऑफ देम, यानी उनमें से कई लोग क्राउड मेक नकु नर्वस, यानी उनमें से लोग ज़्यादा कई लोग क्या कर रहे थे, क्राउड कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, तो जो वह क्रोकोडाइल सुनता है उन लोगों को तो काफ़ी नर्वस हो जाता है। ही स्लीड अवे, वो स्लीड मतलब स्लीड अवे क्रॉस द रिवर टू द अपोजिट बैंक एंड स्लॉग, इसके बाद जो वह सुन रहा था क्रोकोडाइल तो उन बच्चों का आवाज़ सुनकर वह क्या करता है, दूसरी नदी की तरफ दूसरे छोर की तरफ चला जाता है डर कर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एज इट वॉज अ वार्म डे, जैसे ही जो जब मैच खेल रहे थे वो सारे बच्चे तो वो काफ़ी गर्मी का दिन था। नो बॉडी सिम वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द वाटर, कोई भी नहीं चाहता था कि वो पानी से मतलब बाहर आए, क्योंकि वो आपके जो माहौल थी पानी, जब पानी में जब बच्चे नहा रहे थे उन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो गर्मी का समय था। सर्वल बॉयज थ्रू ऑफ देयर क्लॉथेस, कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपने कपड़े निकाल के उस पानी में कूद गए। डिसाइडिंग दैट इट वॉज अ बेटर डे फॉर स्विमिंग दैन फॉर क्रिकेट, यानी उन बच्चों ने सोचा कि मैच खेलने से अच्छा है कि हम लोग आज इस नदी में नहा लें। ठीक है, नकु माउथ वाटर एज ही वॉच द दोज बेयर लिम्स स्प्लैशिंग आउट, यानी जो नकु जो क्रोकोडाइल था उन बच्चों को नहाते हुए उनके नंगे शरीर देखकर वो काफ़ी उसके मुंह में पानी आ रहा था। ठीक है, वो जैसे ही छपा कर खुद रहे थे तो नकु सारी चीज़ें देख रहा था, उनके उसके मुँह में पानी आ रहा था। वी सपोज टू बी प्रैक्टिसाइजिंग साइड रंजी वी टूक, इसके बाद रंजी करता है कि हमें शायद प्रैक्टिस करना चाहिए। सो हु टूक हिज क्रिकेट सीरियसली, जो रंजीत था वो अपने क्रिकेट को लेकर काफ़ी सीरियस था। वी वॉन्ट विन नेक्स्ट वीक, वो कहता कि हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक शायद नहीं जीतेंगे। ओ वी विल विन इजली एंड सैड अनिल ज्वाइनिंग हिम ऑन द रिवर बैंक, इसके बाद वो रिवर बैंक पे एक अनिल नाम का लड़का आता है और कहता है कि हम लोग जरूर जीतेंगे नेक्स्ट वीक, मतलब अगले संडे हम लोग जरूर जीतेंगे। माई फादर सेज ही इज गोइंग टू प्ले, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि वो भी आएंगे खेलने के लिए। ठीक है, द लास्ट टाइम ही प्लेड वी लॉस्ट, सर रंजी कहता है कि हाँ देखा है मैंने आपके पिताजी लास्ट बार खेले हुए थे और हम लोगों ने हार गए उस मैच को हार गए।
ही मेड टू रन्स एंड फॉरगेट टू फील्ड, उन्होंने दो रन बना के ही आउट हो गए, ठीक है। सो ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म, सैड अनिल, अनिल कहा कि हाँ शायद उस दिन वो आउट ऑफ फॉर्म थे, ठीक है, वो फॉर्म में नहीं थे, नहीं तो ढेर सारे रन मारते हों। इवन लोयल टू हिज फादर, वो काफ़ी वफादार था अपने पिताजी का। द बैंक मैनेजर स्वरू, द कैप्टन ऑफ द विलेज टीम, जो कैप्टन था गांव वाले टीम का, ज्वाइन दिम, इसके बाद वो भी साथ में आ जाते हैं। माई कजिन फ्रॉम डेली इज गोइंग टू प्ले फॉर अस, वो कहता कि जो मेरा कजिन है, चाचा का लड़का है, ठीक है, डेली इज गोइंग टू प्ले फॉर अस, मतलब वो डेली से आ रहा है और मतलब यहाँ हम लोगों के साथ खेलेगा। ही मेड 100 इन वन ऑफ द मैचेस देयर, यानी वहाँ पे एक मैच में उसने 100 रन बनाए हुए थे, वो हम लोगों के साथ खेलेगा। वी वॉन्ट मेक 100 ऑन दिस विकेट, और हम यहाँ पे 100 रन नहीं मार सकते इस विकेट पर। सर रणजी, इट्स स्लो एट वन इंड एंड फास्ट ऑन अदर, इट्स स्लो वन इंड, मतलब एक इंड क्या है काफ़ी स्लो है, दूसरा इंड मतलब काफ़ी फास्ट है। कैन यू ब्रिंग माई फादर, आस्क नाथू द बेकर्स सन्स, इसके बाद नाथू पूछता है क्या मैं अपने पापा को ला सकता हूँ मैच खेलने के लिए। कैन ही प्ले, इसके बाद वो पूछता है क्या वो खेल सकते हैं। नॉट टू वेल बट ही विल ब्रिंग अलॉन्ग ए बास्केट ऑफ ए बिस्किट बंस एंड पॉकरेस, ठीक है, लेकिन वो कहता है नाथू कि नहीं वो नहीं खेलते हैं, लेकिन जो अपने साथ जब आएंगे तो काफ़ी बिस्किट और बंस लेकर आएंगे हम लोगों को खाने के लिए, क्योंकि उसके पिताजी क्या होते हैं, बेकर होते हैं, ठीक है। देन ही कैन प्ले, उसके बाद रणजी कहता है कि हाँ तब वो खेल सकते हैं अगर हमारे लिए, हम लोगों के लिए बिस्किट और बन लाएंगे तो। ऑलवेज क्यूट टू मेक हिज माइंड, नो वंडर ही वाज द टीम्स कैप्टन, इफ देयर इज टू मनी ऑफ अस वी विल मेक दिम 12th मैन, वो कहता है, रणजी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आएंगे तो, अगर आएंगे, अगर हमारे टीम में ज़्यादा लोग भी हो जाएंगे तो हम लोग 11 के जगह 12 लोग रख लेंगे, 12 लोग टीम में रख लेंगे, ठीक है। द बॉल कुड नॉट बी फाउंड, अभी तक जो बॉल उस रिवर यानी नदी में खो गया था अभी भी नहीं मिल रहा था। एज दे डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क देयर स्पेयर बॉल, ऑल प्रैक्टिसाइज सेशंस वर डिक्लेयर ओवर, वह रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते थे अपने स्पेयर बॉल के लिए, और जब प्रैक्टिस का जो समय था अब वो खत्म हो चुका था उन बच्चों के लिए। माई ग्रैंड फादर हैज प्रोमिस्ड मी अ न्यू बॉल सैथ लिटिल मनी, मनी जो होता है वो कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि वो मुझे एक नया बॉल खरीद कर देंगे। फ्रॉम द विलेज टीम, मतलब विलेज टीम का वो लड़का था। एंड हु बॉल ट्रिकी लेग्स ब्रेक्स विथ बाउंस टू द ऑफ साइड, और जो मेरे पिताजी हैं ना, मेरे ग्रैंड फादर हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, काफ़ी ट्रिकिंग बॉलिंग करते हैं, बाउंस मारते हैं ऑफ साइड से, ठीक है। डज ही वॉन्ट टू प्ले टू, आस्क रणजी, इसके बाद रणजी पूछता है क्या वो भी खेलना चाहते हैं। नो ऑफकोर्स नॉट, नहीं वो नहीं खेलना चाहते, ही इज नियरली 80, वो लगभग 80 साल के हैं तो वो नहीं खेलना चाहेंगे। दैट सेटल देन सर रणजी, इसके बाद रणजी कहता है कि हाँ शायद वो सेटल हो गए हैं। वी विल ऑल मीट हियर एट 9 o'clock नेक्स्ट संडे, इसके बाद रणजी कहता है कि हम लोग फिर से अगले रविवार को 9 बजे यहाँ पर मिलेंगे। 50 over a side, मतलब 50 over का होगा मैच एक साइड में, ठीक है, यानी हर एक तरफ 50-50 over का मैच होगा, ठीक है। द ब्रोक अप सेरू एंड हिज टीम वांडरिंग बैक टू विलेज, यानी उसके बाद सारे बच्चे होते हैं वह अपने घर को जाना शुरू हो जाते हैं। वाइल्ड रणजी एंड हिज फ्रेंड्स गॉट ऑन देयर बाइसिकल्स, 2 or 3 टू द बाइसिकल्स सिंस नॉट एवरीवन हैड वन, ठीक है, यानी जो रणजी रहता है और उसके फ्रेंड रहते हैं, कुछ लोग साइकिल लाए हुए रहते हैं, ठीक है, बाकी सबके पास साइकिल नहीं रहता है। एंड साइकिल बैक टू टाउन, और वो अपने शहर की तरफ साइकिल से जाना शुरू कर देते हैं। नक्कू लेफ्ट इन द स्पेस एट लीस्ट, जो नक्कू था उसको शायद क्या हो गया, काफ़ी पीस, मतलब वो काफ़ी अब आराम से रहने लगा। ही रिटर्न टू हिज फेवरेट साइड ऑफ द रिवर एंड क्रोवल्ड सम वे अप रिवर बैंक, इसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे एंकर अपने जहाँ पर रहता था, वो क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ जहाँ पर रहता था वहाँ पर फिर से आ गया। एज इफ टू इंस्पेक्ट ऑफ द विकेट इट हैड बीन वर्थ स्मूथी बाय द प्लेयर्स, यानी जो वो लोग खेल रहे थे जहाँ पर जो घास थी, अब उन बच्चों को कुचलने के बाद वहाँ पर घास जो हो गई थी काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी। एंड लाउड लाइक ए गुड प्लेस टू रिलैक्स, अब वो एक तरह से काफ़ी अच्छा उसके लिए, क्रोकोडाइल के लिए जगह बन गया था कि हो सकता है मैं अब मतलब अगले संडे तक मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ। नक्कू मूव्ड अक्रॉस इट, यानी नक्कू जो था यानी क्रोकोडाइल जो था वहाँ मतलब चारों तरफ वहाँ से घूमना शुरू किया। ही फील्ड प्लेजेंटली ड्रॉन सी इन द वार्म सन, वह अपने आप को काफ़ी आरामदायक महसूस कर रहा था। सो ही क्लोज हिज आइज फॉर अ लिटिल नैप, सो इसलिए वो अपने आंखें बंद कर थोड़े मतलब आंखें बंद करके थोड़े समय के लिए सो गया। इट वॉज गुड टू बी आउट ऑफ द वाटर फॉर अ वाइल, इसके बाद वो क्रोकोडाइल सोचता कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पानी से निकल कर बाहर रहना, ठीक है। यहाँ पर जो होती है आपकी वीडियो समाप्त होती है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।